मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 2 दिवसीय गोरक्षनाथ महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कला हमें हमेशा सकारात्मक भाव देती है, इससे सकारात्मक दिशा में चलने की नई प्रेरणा प्राप्त होती है। नकारात्मकता में जीवन नहीं है, यह हमारी ऊर्जा का नुकसान करती है। सभ्य समाज नकारात्मक दृष्टि को स्वीकार नहीं करता है, सभ्य समाज सकारात्मकता को महत्व देता है, प्रेरित व प्रोत्साहित करता है, इसे अपनाएं और देश का मान बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान शिव की साधना स्थली यहीं से कुछ दूरी पर मुक्तेश्वर नाथ धाम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्हीं के सानिध्य में राप्ती नदी के पावन तट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले 6 दशक से भारत की कला को भजनों के माध्यम से वैश्विक मंच पर स्थान दिलाने वाले अनूप जलोटा के सानिध्य में यहाँ के नवोदित कलाकारों को मंच मिला है। कड़ी मेहनत से आगे बढ़े मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमकारम संस्था अलग अलग शहरों में नदी के प्रमुख घाटों पर जाकर नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित कर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने नवोदित कलाकारों को सीख देते हुए कहा कि आपकी कड़ी मेहनत व परिश्रम, आपके द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक प्रयास आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। हमें मेहनत व परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। कला को सकारात्मक प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने कला के प्रोत्साहन के लिए भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का निर्माण किया है, इसने कार्य प्रारंभ कर दिया है। कलाकारों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। सरकार की ओर से आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को बढ़ाया गया है। इन नवोदित कलाकारों को मंच मिलना चाहिए। ओमकारम के संरक्षक व भजन गायक अनूप जलोटा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। सांसद अभी किशन ने भी भजन प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राप्ती नदी के तट पर महाआरती में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर गजल गायक चंदन दास, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह, ओमकारम के अध्यक्ष नवारुण चटर्जी, मार्कंडे मणि त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। भोजपुरी के लोकप्रिय अभिनेता और लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, और कला उसका सशक्त मंच है जो लोक कल्याण के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो, राष्ट्र कल्याण के लिए हो, लोक मंगल की भावना जिसमें निहित हो, वही कला है। और कला का एक मंच है, एक गायन भी हो सकता है, वादन भी हो सकता है, नृत्य भी हो सकता है, अलग अलग विधाओं के माध्यम से वह जोड़ने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। और अलग अलग शहरों में ओंकारम संस्था ने तय किया है कि अलग अलग सिटी के अंदर देश भर में जाकर के नदी के प्रमुख घाटों में जाकर के वहां के नवोदित कलाकारों को हम प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसको के साथ उसे जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और आज गोरखपुर में अवसर आया है, जब यह कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हो रहा है, मैं अनूप जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस शुभ कार्य को आपने पवित्र राप्ती नदी के तट पर आयोजित किया है, इसके लिए आपकी और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। स्थापना के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस संगीत विश्वविद्यालय इसलिए वहां महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा काशी से जुड़े हुए अनेक प्रख्यात कलाकार, कोई गायन में है, कोई वादन में है, कोई नृत्य में है, कोई किसी अन्य विधा के साथ जुड़ा हुआ है, उनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरिहरपुर घराना आजमगढ़ से रहा है, और उस प्रमुख घराने के साथ जुड़े हुए उन कलाकारों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए एक मंच मिल सके, इसके लिए हमारा संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि इन नवोदित कलाकारों को मंच मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इनको आगे बढ़ने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी, और अनूप जी के संरक्षण में यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये प्रसन्नता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के भी और देश के भी युवा और उत्साही कलाकार एक सकारात्मक भाव के साथ, अपनी स्वस्थ ऊर्जा के साथ इस कला के मंच के साथ जुड़ेंगे। याद रखना, आपकी कड़ी मेहनत और आपके द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक प्रयास आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता, वो तात्कालिक रूप से आपको संतुष्टि कर देता हो लेकिन लंबे समय के लिए एक चोट भी दे जाता है। कभी भी उस रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं, हमें मेहनत के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से ओंकारम संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को गोरखपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर के हमारे कलाकार और खासतौर पर नवोदित कलाकार इस संस्था के माध्यम से लाभ प्राप्त करके रीजनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल गोरखपुर का बल्कि प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। कि स्थापना के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। संगीत विश्वविद्यालय इसलिए वहां महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा काशी से जुड़े हुए अनेक प्रख्यात कलाकार, कोई गायन में है, कोई वादन में है, कोई नृत्य में है, कोई किसी अन्य विधा के साथ जुड़ा हुआ है, उनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरिहरपुर घराना आजमगढ़ से रहा है, और उस प्रमुख घराने के साथ जुड़े हुए उन कलाकारों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए एक मंच मिल सके, इसके लिए हमारा संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि इन नवोदित कलाकारों को मंच मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इनको आगे बढ़ने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी, और अनूप जी के संरक्षण में यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये प्रसन्नता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के भी और देश के भी युवा और उत्साही कलाकार एक सकारात्मक भाव के साथ, अपनी स्वस्थ ऊर्जा के साथ इस कला के मंच के साथ जुड़ेंगे। याद रखना, आपकी कड़ी मेहनत और आपके द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक प्रयास आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता, वो तात्कालिक रूप से आपको संतुष्टि कर देता हो लेकिन लंबे समय के लिए एक चोट भी दे जाता है। कभी भी उस रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं, हमें मेहनत के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से ओंकारम संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को गोरखपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर के हमारे कलाकार और खासतौर पर नवोदित कलाकार इस संस्था के माध्यम से लाभ प्राप्त करके
रीजनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल गोरखपुर का बल्कि प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।